का दोस्तों, आज बात करने वाले हैं आपकी सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड की। अगर वो एट्थ में बैठ जाए तो अगर आपके पास समस्या आ रही है बीमारी की, कर्जे की, आपके दुश्मनों से प्रॉब्लम आ रही है, कोई डिस्प्यूट्स फैमिली में चल रहा है, या फिर आप एग्जाम में सक्सेस नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, या फिर आपके ऊपर कोई लिटिगेशंस, कोई चार्जेस लगे हुए हैं जो कि सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दूसरा, अगर आपके चार्ट में इस घर का मालिक अगर यहां पे बैठा हुआ है और आपको प्रॉब्लम आ रही है ट्रांसफॉर्मेशन से, मृत्यु से, आपके पिछले जन्म वर्ष से, आपके रिलेशन में कितनी लॉन्गेविटी होगी, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को आप अंत तक देखें, और एक टाइम आपसे अपील है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ ऐप को डाउनलोड कर लें, जिससे कि जितनी भी वीडियोस, जितनी भी हमारी लाइव हों, वो सदा आपको नोटिफिकेशन के फॉर्म में प्राप्त हो जाए। दोस्तों, आपको पता है कि ये आपका छठा घर होता है, और छठे घर के बारे में मैं बताते आया हूँ कि ये जो घर होता है ये आपका दुष्ट स्थान होता है। पहला दुष्ट स्थान इसे कहते हैं, और उसके साथ ही ये आपका उपच्चय हाउस भी इसे ही कहते हैं। उपच्चय हाउस का मतलब कि 30 साल के बाद की उम्र के बाद यहां से रिजल्ट आपको आने शुरू होंगे। चलिए अब ध्यान से देखिए, आपको पता है कि आपकी कुंडली का ये वाला जो घर होता है पहला, अगर मैं इस सिक्स्थ हाउस को उठाकर यहां पे रख दूं तो, और यहां से काउंटिंग करूं, तो क्या बनेगा? 6 7 8, आठवां ये, तो ये कितना बना? 6 से 3 भाव, जो कि अपने आप में एक उपच्चय होता है। तो अगर आपका छठे भाव का स्वामी यहां पे बैठा तो क्या इफेक्ट होगा? 1 2 3, तो यहां पे पराक्रम करना पड़ता है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसका लिंक आपके पराक्रम से होगा, वो रिसर्च के माध्यम से हो सकता है, वो स्टडीज के माध्यम से भी आपका हो सकता है। तो अब हुआ क्या, ये चीज देखते हैं, हुआ क्या। मान लीजिए यहां पे आप खड़े हैं और आपके पास ये सारी चीजें हैं, मतलब जो भी प्लेनेट यहाँ पे है उसके पास वो बंधा हुआ है किससे? कर्जे से, बीमारी से, दुश्मनों से, कंपटीशन से, और आपके डेली रूटीन लाइफ से, आपके कार्य क्षेत्र से, और ये उठकर जाके यहाँ पे बैठ जाता है, और यहाँ पे ये बैठा, और साथ ही साथ इसे अष्टम भाव ने इस तरीके से घेर लिया। तो अष्टम भाव से क्या क्या चीजें जुड़ी हुई थी? अष्टम भाव से आपकी डेथ्स जुड़ी हुई थी, रिबर्थ जुड़ा हुआ था, आपके स्पाउस के इन लॉज जुड़े हुए थे, आपके सास ससुर, आ सीक्रेट चीजें जो आप छुपाते हैं वो चीजें यहाँ जुड़ी हुई हैं, और कितनी दूरी होगी मृत्यु की, कितनी लॉन्गेविटी होगी रिलेशन की, वो सारी चीजें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। चलिए, तो आपने देखा ये सारी चीजें, छठे भाव का जो स्वामी ग्रह है यहाँ बैठ गया, और इसको इस घर के स्वामी ग्रह ने इस तरीके से घेर लिया। अब यहाँ पे देखिए, ये सभी कुंडलियों के लिए सेम रिजल्ट नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज को नोट कर लीजिए, क्योंकि डिग्री, दशाएं, अंतर दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, और आपकी योगनी दशाएं, और आपकी कितने सूर्य के साथ अस्त है या नहीं है, उच्च का है या नहीं है, डिग्री कितनी है, ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो कुछ बेसिक चीज हम देखते हैं कि यहां से अगर कुछ बेसिक चीज में क्या देखते हैं कि अगर यहां से यहाँ का जो लॉर्ड है आपके एट हाउस में बैठ जाए तो क्या होगा? चलिए देखिए, सिक्स हाउस आपको पता है अच्छा नहीं कहा जाता है, दुष्ट स्थान है, तो इससे आपको प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन ये दुष्ट स्थान अच्छा होके बैठेगा तो जो प्रॉब्लम यहाँ पे है वो यहाँ पे आपको रिजल्ट भी देंगी, इस चीज को आपको मान के चलना है। देखिए, जो ये वाला घर होता है ये आपके डिजीज का घर होता है, आपकी बीमारी का, छोटी बीमारियों का घर होता है, और ये वाला जो होता है, बीमारियां जो होती हैं बड़ी बीमारियां। तो अगर इस घर का जो स्वामी है यहाँ पे आके बैठता है तो जो छोटी बीमारी है वो बड़ी बीमारी का रूप ले लेगी। लेकिन कब? जब दशाएं, अंतर दशाएं, और ये यहाँ पे गलत होकर, नीच का होकर बैठ जाए, तो आपकी स्थिति इनक्योरेबल हो जाती है, जो बीमारी होती है वो क्योरेबल नहीं होती है। तो एक लंबी बीमारी, जैसे कैंसर की बीमारी हो गई, टीवी की बीमारी हो गई, ये एक लंबी बीमारी यहाँ पे आपकी चलने को लग जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जो आपका एट्थ हाउस होता है ये आपकी जिंदगी से बिलोंग करता है, आपका कितना लाइफ स्पैन कितनी होगी, आपकी जिंदगी कितनी होगी, वो भी यही रिप्रेजेंट करता है। तो जब ये वाला घर यहाँ पे अच्छा होकर बैठता है तो आप एक दीर्घायु योग यहाँ प्राप्त करेंगे, एक अच्छी एज यहाँ पे प्राप्त करेंगे। लेकिन
अगर यही यहाँ पे अच्छा होके ना बैठे तो आपकी जो लाइफ स्पैन है वो क्या है, छोटी हो जाएगी। अकाल मृत्यु जिसे कहते हैं वो भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। स्किन की प्रॉब्लम भी आपको यहाँ से जनरेट होती है और उसकी प्रॉब्लम भी आपको तंग करेगी ही करेगी। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं इस घर की यहाँ पे आने पर, तभी आती हैं जब दशाओं और अंतरदशा या गोचर में कोई ट्रांजिशन होता है, तभी ऐसी प्रॉब्लम आती है, अन्यथा प्रॉब्लम नहीं आती। आप तब तक अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपने क्या देखा, यहाँ का अगर यहाँ बैठता है तो आपको इलनेस वो भी सीरियस वाली हो सकती है, आपको कर्जा लॉन्ग टर्म डेबिट भी उठाना पड़ सकता है, दरिद्र योग भी यहाँ बनता है, आपको कोर्ट कचहरी के मामलों से भी, कोर्ट लेटिगेशन के मामलों से भी यहाँ पे जूझना पड़ सकता है अगर यहाँ पे गलत होके नीच का होकर बैठ जाए। अब आइए आगे बात करते हैं। जिंदगी के बारे में पता लग गया आपको, लेकिन अगर इस घर का स्वामी यहाँ पे विपरीत राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है तो जो रिजल्ट होगा वो आपके लिए अच्छा होने वाला है, वहाँ पे आपको चीज़ें खराब नहीं होंगी। तो यहाँ का अगर कोई कोई प्लैनेट यहाँ पे बैठ रहा है तो आप हर चीज़ जो होती है वो सीक्रेट होके करेंगे, दूसरों से छुपा के करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं। तो सीक्रेसी, ऐसे कई लोगों को आपने देखा होगा जो चीज़ों को दबा के रखते हैं और अंत तक उसको बताते नहीं है कि इसका क्या होने वाला है। चलिए अगर देखिए, ये जो होता है ये आपके दुश्मनों का घर होता है, ये आप मानते हैं आपके एनिमी का घर होता है। अगर इस एनिमी के घर का मालिक उठकर यहाँ पे बैठ जाता है तो यहाँ से इसका मतलब है कि आपके जो दुश्मनों की संख्या है वो बढ़ी हुई होगी, लेकिन वो आपको दिखेगी नहीं क्योंकि ये हिडन हिडन होता है। तो आपके जो दुश्मन होंगे वो आपके हिडन होंगे, पीठ पीछे जिसे कहते हैं वॉर करने वाले, वो यहाँ पे होने वाले हैं। चलिए ये चीज आपको पता लगी, तो कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखिए कौन यहाँ बैठा है और यहाँ पे किसका इफेक्ट पड़ रहा है, और ये जो स्वामी ग्रह था यहाँ पे उठकर बैठा, अपने साथ सारी चीजें लेकर यहाँ पे जाकर बैठ गया। अगर खराब है तो इस घर से जो भी प्रॉब्लम्स है इसके साथ एड ऑन हो जाएंगी और आपको प्रॉब्लम करेंगी। लेकिन अगर इस घर का स्वामी यहाँ पे अच्छा होके बैठा हुआ है तो इस घर की जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पे सीक्रेट फॉर्म में आपको रिजल्ट देंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे लिटिगेशन, तो यहाँ पे आपका आप बीमारी का है तो यहाँ पे अच्छा होके बैठा है तो आप सर्जन बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। अगर ये देखिए ये लॉस का भी होता है, तो अगर आप लॉस की पढ़ाई कर रहे हैं और ये यहाँ पे अच्छा होके बैठा हुआ है, विपरीत राजयोग बन रहा है, तो आप क्या जज भी बन सकते हैं, कोर्ट में भी अच्छी वकील बन सकते हैं। तो ये अच्छी चीजें आपको यहाँ पे देने वाला है। तो चीजें हमेशा गलत ही नहीं होती हैं, इस बात चीज को आपको लेके चलना है। चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे क्या होता है। अगर अगर सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जो आपके यहां पे बैठ जाए और यहां पे बैठकर ये विपरीत राजयोग बना दे, तो उस केस में आपका जो रिजल्ट होगा वो फ्रूटफुल होगा, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि विपरीत राजयोग बनना चाहिए, आपका लग्न भी कुंडली में अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर आपको अच्छे रिजल्ट यहां पे मिलेंगे। तो आपको पता लग गया कि जो चीजें यहां पे हैं और जो चीजें यहाँ पे हैं, इन दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। तो अगर यहाँ पे अच्छा होकर बैठा है तो अच्छे रिजल्ट देगा, खराब होकर बैठा है तो खराब रिजल्ट देगा। अब आइए हम नंबरों की बात कर लेते हैं, नंबरों का खेल देख लेते हैं, यहाँ पे अगर क्या क्या बैठा हो और क्या क्या इसके रिजल्ट होने वाले हो। चलिए आइए मीन लग्न से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 12 नंबर लिखा हो, तो 12 अगर यहाँ लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 नंबर लिखा होगा, 6 7, यहाँ पे 7 नंबर लिखा होगा। तो 5 नंबर किसका होता है, आपका सूर्य का होता है, और सूर्य यहाँ पे कौन सी राशि में, राशि में गया, सिंह राशि में गया। तो और सूर्य जाके आपकी कुंडली में यहाँ पे बैठ जाता है 7th हाउस में, और 7th हाउस में क्या होता है, वो नीच का होता है, जिसे हम डेबिलेशन कहते हैं, डेबिलेटेड हो जाता है। तो अगर सूर्य आकर यहाँ पे बैठ जाता है, अभिमानी होंगे आप, अकड़ू होंगे एक तरीके से जिसे हम कहते हैं, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका जो जो घमंड है आपका, टाइम के साथ साथ बढ़ेगा और ये आपको प्रॉब्लम भी करेगा। तो यहाँ और साथ ही साथ यहाँ पे बैठना आपके पिता के साथ भी आपका अच्छा रिलेशनशिप नहीं क्रिएट करेगा, बहस हो जाएगी आपके पिता के साथ। तो अगर दशा, और ये तभी ज्यादा होगा जब इसकी दशा और अंतर्दशा चल रही हो, और अगर सूर्य यहाँ पे आकर बैठ गया, नीच का होकर बैठ गया, तो सूर्य इस घर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सभी चीजें लेकर यहाँ बैठा, और वो आपको ड्रास्टिकली परेशान करने वाला है। तो
ये चीज आपके सूर्य के केस में यहां पे बनती है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे 12 ना लिखकर यहाँ पे 11 नंबर लिखा हो, 11 नंबर किसका होता है? एक्वेरियस का होता है, शनिदेव का होता है। अगर यहाँ 11 है तो 12 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, 5 और 6 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन बैठे? 4 के कौन से होते हैं? चंद्रमा इसके मालिक होते हैं। और 6 के कौन से होते हैं? बुध। तो चंद्रमा कहाँ पे आकर बैठा? बुध के घर में बैठा आकर। और बुध और चंद्रमा की आपस में नहीं बनती है, चंद्रमा तो बुध को पसंद करते हैं लेकिन बुध की थोड़ी सी अनबन है चंद्रमा के साथ। तो चंद्रमा का यहाँ पे बैठना तो बुध क्या करेगा? प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अब वो कैसी प्रॉब्लम करेगा? देखिए इमरजेंट आपकी सर्जरी हो सकती है इस केस में। आप अगर यहाँ पे सर्जरी हो जाएगी आपकी, इमरजेंसी जैसी चीजें हो जाएंगी और आपको अचानक आपकी हेल्थ खराब होगी और आपको अचानक भागना पड़ सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये आपकी माता का कारक होता है। माता यहाँ पे बैठी है तो माता की सेहत में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज में यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको देने वाला है। तो ये आपको पता लग गया कि अगर यहाँ पे आपका 4 नंबर लिखा हो और यहाँ पे अगर 6 नंबर बनेगा तब ये केस होने वाला है। चलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अवश्य जुड़ें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ताकि आपके साथ संबंध और हम आपकी चार्ट रीडिंग को और बेहतरीन कर सकें। साथ ही साथ दोस्तों आपको कमेंट में जो भी रिप्लाई आएगा वो ज्योतिषघर एस्ट्रोलॉजी के नाम से आएगा, किसी भी थर्ड पार्टी नाम से नहीं आएगा। अगर किसी का आ रहा है आपको तो उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। कृपया कमेंट को देखें और तभी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, अन्यथा अपने फोन नंबर वगैरह इस तरीके से शेयर ना करें, मिसयूज हो सकता है आजकल। चलिए अगर आपको कोई समस्या है, कुछ पूछना चाहते हैं और पेड कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं अगर, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड करें और वहां से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और कोई माध्यम नहीं है हमसे कॉन्टेक्ट करने का। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 नंबर हो गया और यहाँ पे 11 नंबर हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे स्कॉर्पियो असेंडेंट हो, मान लीजिए मान लेते हैं यहाँ पे 8 नंबर, अगर कुछ रह जाता है, कोई लग्न रह जाता है, तो वो आपका होमवर्क है। इतना आपको पढ़ा रहे हैं तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए 8, 9, 10, 11, 12, 1, तो यहाँ पे क्या नंबर लिखा होगा? 1। 2 और 3, यहाँ पे क्या लिखा होगा? 3 नंबर। तो 1 किसका होता है आपका? मंगल का हो गया। और 3 किसका होता है आपका? बुध देव का हो गया। तो मंगल देव इस घर की सारी चीजों को लेकर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, लेकर आपके जाकर बुध के घर में जाकर यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो अब क्या होगा? देखिए मंगल जो होता है एफर्ट एफर्ट करवाता है। तो आपका अगर ये एफर्ट उठकर यहाँ पे पड़ गया तो जो चीज आप 1 मिनट में या 1 घंटे में, 1 महीने में कर सकते थे, वो यहाँ पे आपका जो लेवल हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा, वो आपका बढ़ जाएगा। अगर मंगल यहाँ पे अच्छी डिग्री में नहीं है, किसी पापी ग्रह की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ी, कहीं से कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो आपका यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जो मंगल होता है वो क्या करता है? आदमी को स्ट्रांग पावर, यहाँ पे बैठेगा, देखिए मेहनत तो आप करवाएगा, तो इसका मतलब क्या है? मेहनत करने का मतलब कि आप एक स्ट्रांग विल्ड है आपके अंदर, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डिटरमिंड हैं कि मुझे सफलता प्राप्त करनी ही करनी है। तो देखिए यहां पे ये अच्छा बन गया, लेकिन मेहनत करवाया लेकिन अच्छा बन गया। तो मैं वही चीज कह रहा हूं कि चीजें खराब नहीं होती हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत होती है। ठीक, आइए अब अगले बात करते हैं। अगर आप मान लीजिए डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि मंगल एक तरीके से सर्जरी वगैरह को भी रिप्रेजेंट करता है और ये भाव भी डॉक्टर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी सर्विस भाव को रिप्रेजेंट करता है, ये यहाँ पे बैठेगा। या फिर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ से लिंक होती हैं। तो यहाँ पे बैठा आपको मेहनत कराएगा और अपनी दशा अंतर्दशा या गोचर की स्थिति अच्छी चल रही है तो आपको वो जॉब भी यहाँ पे दिला देगा। तो इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं। यहां पे अगर मान लीजिए 3 नंबर लिखा हो, 3 नंबर किसका होता है आपका? मिथुन लग्न का होता है, दैट इज कॉल्ड जैमनी। अगर यहां पे जैमनी हो तो क्या होने वाला है? अब ये हम यहां पे देखेंगे। देखिए अगर 3 नंबर लिखा है तो 4, 5, 6, 7, 8, यहां पे 8 नंबर लिखा होगा, 9, 10 और यहां पे 10 नंबर लिखा होगा। 8 किसको रिप्रेजेंट करता है? मार्स को। और 10 नंबर किसको करता है? शनि को। तो क्या हुआ? जो मंगल है वो शनि के घर में जाकर बैठ गए और मंगल और शनि की आपस में अच्छे संबंध नहीं है, इस बात को नोट करें। तो मंगल ये सारी चीजें लेकर यहाँ पे आया, अपने साथ इस घर में बैठ गया और शनि देव है यहाँ पे,
तो शनिदेव मंगल से दुश्मनी निभाएंगे और बोलेंगे भाई अब आप मेहनत करो। तो हर चीज को प्राप्त करने के लिए शनिदेव मंगलदेव से बहुत ज्यादा मेहनत करवाएंगे करवाएंगे। इस चीज को आप यहाँ पे अपने दिमाग में डाल लें। तो जो मंगल है वो आपके, देखिए कहीं ना कहीं आपके जो, अगर आप टूल्स पे काम कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स पे काम कर रहे हैं, गैरेज का कोई काम कर रहे हैं, सारे मंगल को रिप्रेजेंट करता है। या फिर डॉक्टर, डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर भी टूल्स और इक्विपमेंट्स पे काम करते हैं। तो यहाँ पे बैठा, जैसा मैंने बताया, आपको आईएएस भी बनवाएगा, आपको अच्छा सर्जन भी बनाएगा और आप चीजों में दिलचस्पी लेंगे और उसके अंदर काफी अंदर तक घुसकर सच्चाई निकालने की कोशिश करेंगे। अब सर्जन क्या करता है, सर्जन और पुलिस वाले यही करते हैं, चोर को पकड़ा या फिर आपका इलाज कर रहे हैं तो उसके अंदर जाके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करते हैं। तो ये चीज आपको यहां पे देखकर चलनी है। चलिए अब बात करते हैं आगे। मान लीजिए यहां पे 10 3 नंबर हो गया, 12 11 हो गया, मान लीजिए यहां पे 10 नंबर लिखा हो। 10 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, कैप्रिकॉन मकर राशि को, मकर लग्न को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर यहां पे 10 नंबर होगा तो 11 12 1 2 3, तो यहां पे कौन सा नंबर होगा, 3 4 5, यहां पे कौन सा नंबर होगा, 5। तो इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बुध, और इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सूर्य। तो बुध उठकर कहाँ बैठ गए, सूर्य के घर में जाकर बैठ गए, और बुध अपने साथ ये सारी घर की जो चीजें थी अपने साथ लेकर सूर्यदेव के पास चले गए। अब सूर्य ने कैसे, इन दोनों का रिलेशन कैसा है कुंडली में, आप ये देखिए क्या कुंडली में कारक है या फिर मारक है या विपरीत राजयोग बन रहा है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो इसमें क्या होगा, अगर आपके पास देखिए दिमाग है और आप इस वाले घर में बैठे तो आप क्यूरियस हो जाएंगे हर चीज को लेने के लिए। पीएचडी वगैरह कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। हिडन नॉलेज अगर आप कर रहे हैं या फिर आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, जहां पे जैसे आपकी आईएएस हो गया, सीबीसीआईडी हो गया, इन जगहों पे आपको सफलता अवश्य यहां पे मिल जाने वाली है। तो यहां पे आपका जो, आप इस तरीके से काम कर रहे हैं और यहां पे क्योंकि ड्यूअल नेचर है, द्वि स्वभाव राशि है, तो आपको यहां पे डबल कैरेक्टर आप यहां पे प्ले करेंगे अपनी कुंडली के हिसाब से। तो इस चीज को आप यहां पे नोट करके चलिए आगे बात करते हैं। मान लीजिए दोस्तों यहां पे अगर 1 नंबर लिखा हो तो 1 का मतलब क्या होता है, मेष। तो यहां पे क्या लिखा होगा, आपका 7 नंबर लिखा होगा, 8 और 9 नंबर यहां पे आपका लिखा होगा। तो 7 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, शुक्रदेव को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो नंबर हो गया ये आपके शुक्र को रिप्रेजेंट करता है और ये जो नंबर होता है आपका बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। अब शुक्र उठकर यहाँ पे आपकी कुंडली में बैठते हैं तो शुक्र जो ये सारे घर की चीजें थी अपने साथ लेकर यहाँ पे आकर बैठ गए। और इस घर पे किसका अधिकार है, इस घर पे आप जो बैठा है वो धनु राशि में जाकर आपका बैठा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, शुक्रदेव जो जो शुक्रदेव है धनु लग्न, धनु राशि में बुध के, बृहस्पति के द्वारा घिर जाएंगे और शुक्र को हर चीज प्राप्त करने के लिए अपने इस यहाँ पे ज्ञान लगाना पड़ेगा, और वो भी ज्ञान ऐसा लगाना पड़ेगा जो कि काफी उच्च लेवल का हो। तो अगर वो ज्ञान यहाँ पे यूज करेगा जो भी जातक जातिका है तो वो जिंदगी में रिसर्च फील्ड में सफलता प्राप्त करेगा और अपने परफेक्शन में काफी ज्यादा सीक्रेसी मेंटेन करके अपने आप को पदोन्नति की तरफ ले जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम, अगर आपका यहाँ पे 9 नंबर लिखा हो, तो अगर ये 9 नंबर लिखा हो तो ये सैगिटेरियस हो जाएगा, धनु राशि, धनु लग्न हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 9 10 11 12 1 2, तो यहां से क्या आ गया, फिर से 2 3 और 4, यहाँ पे 4 आ गया। तो शुक्रदेव जाकर कहाँ बैठे, शुक्रदेव जो थे वो जाकर बैठ गए कैंसर में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो वेनस होगा, जो आपका शुक्र होगा, ये आपके सर्विस को रिप्रेजेंट करेगा, आप सर्विस का स्वामी हो गया, आपके डिवोशन का स्वामी हो गया, आपके लिटिगेशन कोर्ट कचहरी मामलों का स्वामी हो गया। तो ये लोग जाकर यहाँ पे बैठ जाएंगे कहाँ पे, कैंसर में। तो यहाँ पे क्या होगा, आप एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाएगी कि आप हड़बड़ी कर बैठेंगे यहां पे, जो चीजें आपकी होनी चाहिए थी लेकिन इमोशन में आकर आप, क्योंकि यहां चंद्रमा है, चंद्रमा के घर में बैठ गया आकर, तो चंद्रमा आपको इमोशन के थ्रू आपकी जो चीजें बनने वाली होंगी वो चीजें भी आपकी खराब कर देगा। तो यहां पे आप थोड़ी सी बहुत चीजें जो होंगी वो जल्दबाजी में करेंगे और जल्दबाजी की वजह से आपकी जो समस्याएं हैं वो और ज्यादा उत्पन्न हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं, अगर यहां पे दोस्तों लिखा हो टॉरस 2 नंबर लिखा हो, तो 3 4 5 6 7, यहां पे 7 नंबर लिखा होगा, 8 9, ये कंडीशन आपको बता दी गई है पहले ही।
अब आ जाइए, अगर यहां पे मान लीजिए 7 नंबर लिखा हो जो कि लिब्रा होता है, 8, 9, 10, 11, 12 यहां पे आपका बुध, यहां पे बृहस्पति हो गए, 1, 2 और यहां पे आपका शुक्रदेव हो गए। जो चीज मैंने आपका 2 और 9 में बताया था वही चीज आपकी 12 और 2 में होगी। अब यहां पे जो ज्ञान के देवता हैं बृहस्पति इस घर के मालिक बने और वो अष्टम भाव में बैठ गए। अगर शुक्र की अच्छी स्थिति में है, उच्च विपरीत राजयोग बना रहा है तो समस्या नहीं आएगी इससे रिलेटेड फील्ड में। अगर अच्छी राशि में नहीं है और पाप ग्रहों का इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है और सफलता आसानी से नहीं मिलेगी और फाइनेंशियली लॉस भी यहाँ पे हो सकता है। और एक चीज और, यहाँ पे जो आपको पैसा मिल सकता है, आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो आपके इन लॉज आपकी यहाँ पे जरूर हेल्प कर डालेंगे और आपको यहाँ पे पैसा वगैरह जो भी, अगर आपको इमरजेंसी हेल्प चाहिए तो आपके इन लॉज से आपको जरूर यहाँ पे मिलने वाली है। चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, हमने शुक्र की बात कर ली, यहाँ पे इसी तरीके से हमने राहु केतु की बात कर लेते हैं। मान लीजिए अगर राहु राहु यहाँ बैठा हो, अगर राहु आपके 6th हाउस का लॉर्ड है और यहाँ पे आपका राहु हो गया और यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, तो राहु अगर यहाँ पे उठकर बैठता है तो राहु अगर इसके साथ मित्रता है, अगर दोस्ती है और ये कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है तो राहु इसके इफेक्ट को इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने पे ये जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं उन सब का सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और सेम चीज आपका केतु के केस में ही होता है। तो राहु और केतु जिस घर में बैठे हैं उसके साथ अगर संबंध अच्छे हैं, दृष्टियां अच्छी हैं, तो अपने पॉजिटिव रिजल्ट वो आपको देते ही देते हैं। इस चीज का आपको ध्यान में लेकर चलना है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि पर्सनल एडवाइस आपको लेनी है तो आप अपनी बात को शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड करें, आप वहां से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। तो एक कंक्लूजन आपको मैं यहां पे दे दूं, देखिए चार्ट यहाँ पे है, रिमेम्बर आपको क्या रखना है, छठे घर नोट कर लीजिए किस किस चीज का ये रिप्रेजेंट करता है, ये किस किस रिप्रेजेंट को करता है। अगर ये यहाँ पे बैठा है अपने फ्रेंड के घर में बैठा है तो अच्छा रिजल्ट देगा, अगर यहाँ दुश्मन के घर में बैठा हुआ है तो इन सबसे रिलेटेड ये आपको परिश्रम करवाएगा, मेहनत कराएगा, चीजें आपकी खराब करवाएगा, हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर अच्छा नहीं है, कर्जे में भी आप पड़ सकते हैं, लीगल प्रॉब्लम भी आपको पड़ सकती है और आपके छुपे हुए दुश्मन भी यहाँ पे हो सकते हैं। तो आपको दूसरों को अगर पैसे आप दे रहे हैं तो उससे आपको यहाँ पे बचना है, आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी असफलता मिल सकती है, इस बात को आपको ध्यान में लेके चलना है। अगर इस घर का स्वामी यहाँ पे बैठा है अच्छा होके नहीं बैठा है तो ये आपका एक्सीडेंट भी करवा सकता है और यहाँ पे अगर एक्सीडेंट होता है तो आपकी मेजर सर्जरी भी होती है। तो इस चीज को भी आपने लिखकर एक जगह पे रख लेना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आने वाली वीडियो में बहुत कुछ हम देखने वाले हैं, कहीं पे कोई चीज गलती हो गई हो हमसे उसके लिए क्षमा चाहते हैं, कोई लग्न रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में पूछ सकते हैं। वीडियो लंबी होती है, जल्दबाजी नहीं होती लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है तो वीडियो हम चाहते हैं शॉर्ट वीडियोज आप देखें और शॉर्ट वीडियोज में ही अपनी क्वेरी शॉर्ट आउट करें। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कुछ जो चीजें रह जाती हैं वो आने वाली वीडियोज में कवर की जाएंगी। तो आज आपसे यहीं पे नमस्कार करते हैं और कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।